नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल DK सैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल और थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं BEd, BSTC, BSc BEd, BA BEd इंटर्नशिप के दौरान जो आपको फाइल बनानी होती है, डायरियां जो आपको बनानी होती है, वो SST से संबंधित जो लेसन प्लान की डायरी है वो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले दोस्तों मैंने अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे साइंस की, मैथ की, हिस्ट्री की, बहुत सारी जो लेसन प्लान की डायरियाँ हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर दी हैं। इंग्लिश की लेसन प्लान की डायरी, इंटर्नशिप की डायरी, अवलोकन डायरी, जो भी डायरियाँ होती है वो सभी डायरियाँ ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हैं। आगे भी आपको इसी तरीके से जो वीडियो है डायरियों से संबंधित वो मिलती रहेगी। तो दोस्तों चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाली जो वीडियो की सूचना है वो आपको मिल सके। यदि आपको कोई अन्य डायरी की यदि वीडियो चाहिए उसके ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी डायरी के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके ऊपर जल्द वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। चलिए दोस्तों, SST के जो लेसन प्लान है, लगभग 20 लेसन प्लान आपके लिए SST के तैयार हैं, रोजाना आपको 1x1 मिलते जाएंगे। चलिए दोस्तों करते हैं पहले नंबर का जो लेसन प्लान है उसको स्टार्ट। इसका जो प्रकरण रहेगा हमारा वो रहेगा वन और वनस्पति। तो जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, दैनिक पाठ योजना SST की ये पहले नंबर की योजना है, पाठ योजना, जिसका प्रकरण रहेगा हमारा वन और वनस्पति। ऊपर बेसिक चीज़ें हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, समय अवधि आपको लिखनी होती है, कालांश वगैरह वो सब आप लिख देंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकरण लिखने के बाद में नीचे आपको ये शिक्षण का उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ये आपको लिखना है। सबसे पहले आता है ज्ञानात्मक, जिसको आप शॉर्ट में ज्ञान भी कह सकते हो, अवबोधात्मक, कौशल, ज्ञान उपयोग और अभिवृत्ति, इस तरीके से ये जो है वो आपको लिखने होते हैं। तो ज्ञान के अंदर आपको लिखना है विद्यार्थी वन और वनस्पति के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी वन और वनस्पति के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। उसके बाद में अवबोध में लिखना है विद्यार्थी वन और वनस्पति के बारे में विश्व के वन और वनस्पति में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। कौशल में आपको लिखना है विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के वनों के चित्र और वन तथा वनस्पति की क्रमबद्ध सुविचार कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा है ये आपको लिखना है। उसके बाद में कौशल के अंदर सूचियाँ बना सकेंगे, वनों की जो सारणी बनती है वो आप बना सकेंगे, चित्र बना सकेंगे विभिन्न प्रकार के वनों के। ज्ञान उपयोग में आपको लिखना है विद्यार्थी वन और वनस्पति के बारे में प्राप्त ज्ञान का जो उपयोग है अपने भावी जीवन में कर सकेंगे तथा इसका लाभ उठा सकेंगे। उसके बाद में अभिवृत्ति में आपको लिखना है विद्यार्थियों का वनों और वनस्पति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो पाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये लिखना है। उसके बाद में आपको अभिरुचि में भी ये का ये लिख देना है। उसके बाद में आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंदर आपको लिखना है विद्यार्थियों को वन और वनस्पति के बारे में पूर्व जानकारी है या वो पहले से जानते हैं। उसके बाद में आते हैं शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री के अंदर आपको लिखना है जैसे कि चार्ट, मॉडल, डस्टर, चौक, श्यामपट इत्यादि, ये आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो आते हैं, यहाँ से हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाता है प्रस्तावना प्रश्नों से। यहाँ से जो शुरुआत है पाठ की वो मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न करने हैं, मानव कहाँ पर रहता है? बच्चे बता देंगे पृथ्वी पर। पृथ्वी पर मानव किस पर निवास करता है? तो पृथ्वी पर जो मानव है वो भूमि पर या धरती पर निवास करता है। धरती पर मानव अपना जीवन यापन किससे करता है? तो बच्चे बता देंगे पेड़ पौधों से। उसके बाद में आप प्रश्न पूछोगे पेड़ पौधे मानव को कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बच्चे बताएंगे जंगलों से या वनों से। उसके बाद में वनों के बारे में आप क्या जानते हैं, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद में जो आपका शिक्षण उद्देश्य है वो आपको मिल जाएगा। और उद्देश्य के अंदर आपको क्या लिखना है? उद्देश्य के अंदर आपको लिखना है बच्चों आज हम वनों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आता है पाठ का प्रस्तुतिकरण, जिसमें पाठ का जो विकास है वो प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि के माध्यम से किया जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रस्तुतिकरण है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले नंबर का जो शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा वनों का अर्थ। वनों का अर्थ क्या होता है? तो वनों का अर्थ, वन की परिभाषा लिखनी है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर पेड़ पौधे व वन्य जीव पाए जाते हैं वन कहलाते हैं। विद्यार्थी छात्र जो क्रिया है उसके अंदर आपको लिखना है कि विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। उसके बाद में आता है वनस्पति का अर्थ। तो वनस्पति का अर्थ हो जाएगा जो मानव को प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे वृक्ष, छोटे पौधे, लताएँ, झाड़ियाँ, घास आदि, ये वनस्पति का क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड नंबर का पॉइंट आता है वनों का वर्गीकरण। तो वनों का वर्गीकरण में आपको क्या लिखना है?
वनों का वर्गीकरण उनकी प्राकृतिक स्थिति एवं भिन्न भिन्न स्थलाकृति होती है। विश्व में वनों का वर्गीकरण उनके आकार प्राकृतिक स्थिति के आधार पर बांटा जा सकता है। जैसे वनों के प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे, विश्व भर में 7 प्रकार के जो वन हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि सदाबहार वन, पतझड़ी वन, भूमध्य सागरीय वन, कोणाधारी वन, स्थलीय वन, मरुस्थलीय वन, शीत मरुस्थलीय वन। तो ये आपका जो शिक्षण बिंदु है चारों के चारों कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में मिलेंगे यहाँ पर इनके मूल्यांकन प्रश्न। आप यहाँ पर देख सकते हैं मूल्यांकन प्रश्न इस तरीके से बनेंगे। जैसे पहले नंबर का प्रश्न है, वनों को कितने भागों में बांटा गया है, ऐसा सदा वाला प्रश्न है, तो बच्चे बता देंगे इसका आंसर। रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर पेड़ पौधे व वन्य जीव पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर का है, सही और गलत पर चिन्ह लगाइए, विश्व में 7 प्रकार के वन पाए जाते हैं या नहीं, तो सत्य सत्य वाला प्रश्न है, बच्चे बता देंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर गृह कार्य आपको देना है कि वनों का अर्थ व उनके प्रकार को समझाइए। तो यहाँ पर जो पहले नंबर का जो दैनिक पाठ योजना है SST की वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड पार्ट इसका मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।